प्राचीन काल की बात है, मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। शाम होने के बाद जैसे ही अंधेरा होता था, लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल ने 100 लोगों की हत्या करने का प्रण लिया हुआ था। वह 99 लोगों को मार चुका था। अब एक ही बचा था उसका प्रण पूरा करने के लिए। इसी वजह से आसपास के सभी गांवों में बहुत आतंक फैला हुआ था, क्योंकि अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगलों में रहता था। उन जंगलों से जब भी कोई गुजरता, यह डाकू उसे रास्ते में लूट लेता और उसे मार कर उसकी उंगली काट कर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल के नाम से जानते थे। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध वैशाली नगर से प्रस्थान करते रहते हैं। शाम का समय हो जाता है, इसीलिए लोग उन्हें रोकते हैं। प्रभु, आज आप इसी नगर में रुक जाइए, क्योंकि जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक पिशाच रहता है। वह लोगों को लूटता है, मार देता है और फिर उनके हाथों की उंगलियां काट कर उसकी माला बनाकर पहन लेता है। ऐसे खतरनाक इंसान के सामने जाने से अच्छा है प्रभु, आज आप रात यहीं रुक जाइए। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं, मैंने एक बार प्रस्थान का मन बना लिया तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे जाना ही होगा। लोगों के बहुत रोकने के बावजूद गौतम बुद्ध वहां से अकेले ही निकल जाते हैं। बुद्ध जंगल में धीरे धीरे शांत मन से जाते रहते हैं। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज आती है, ठहर जा, कहां जा रहा है। तब भी बुद्ध बिना कुछ सुने चलते रहते हैं, मानो उन्होंने किसी की आवाज सुनी ही नहीं। फिर से उन्हें एक कर्कश आवाज पीछे से आती है, मैं कहता हूँ ठहर जा, कहाँ जा रहा है। बुद्ध रुक जाते हैं और पीछे पलटकर देखते हैं तो एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा रहता है, जिसका लंबा चौड़ा शरीर रहता है, बड़े हुए बाल रहते हैं, एकदम काला रंग लिए हुए, लंबे लंबे नाखून और आंखों में जैसे खून उतर आया हो, हाथ में तलवार लिए बुद्ध को घूरता रहता है। उसके गले में उंगलियों की माला भी लटकी रहती है, जिसकी वजह से वह बहुत ही डरावना प्रतीत होता है। बुद्ध शांत और मधुर स्वभाव से उससे कहते हैं, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल बुद्ध के चेहरे की ओर देखता है और उसे यह प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा, जबकि इससे पहले मैंने जिन भी लोगों को रोका था, वह मेरा चेहरा देखते ही थर थर कांपने लगे थे। अंगुलीमाल कहता है, हे सन्यासी, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? देख, मैंने कितने लोगों को मार कर उनकी उंगलियों की माला बना रखी है और ये मैं गले में पहनता हूँ, क्या तुझे डर नहीं लग रहा? गौतम बुद्ध कहते हैं, तुझसे क्या डरना, डरना है तो उससे डरो जो सचमुच में ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुझे क्या लगता है मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सर काट सकता हूँ। गौतम बुद्ध कहते हैं, यदि तू सचमुच ताकतवर है तो जा, उस पेड़ से 10 पत्ते तोड़ के ले आ। अंगुलीमाल कहता है, 10 पत्ते, ये देखिए मैं तोड़ के लाता हूँ। अंगुलीमाल जाता है और वृक्ष से 10 पत्ते तोड़कर ले आता है और कहता है, ये 10 पत्ते ही क्या, तुम कहो तो मैं तुरंत अभी तुम्हें यह पेड़ उखाड़ कर दिखा सकता हूँ। गौतम बुद्ध कहते हैं, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है, वास्तव में यदि तुम ताकतवर हो तो अब जाओ और इन पत्तियों को वापस जोड़ दो। गौतम बुद्ध की बात को सुनकर अंगुलीमाल बहुत क्रोधित हो जाता है और कहता है, भला कभी टूटे हुए पत्ते भी जोड़ सकते हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते तो उसे तुम्हें तोड़ने का अधिकार किसने दिया? एक आदमी का सिर जब तुम जोड़ नहीं सकते तो उसे काटने में क्या बहादुरी है। अंगुलीमाल आवक रह जाता है और वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहता है। बातों को सुनते सुनते अंगुलीमाल के हृदय में परिवर्तन होता है और उसे आत्मग्लानी होने लगती है। उसे ये महसूस होता है कि आज वास्तव में उससे भी कोई ताकतवर उसे मिला है जो उसके हृदय को परिवर्तित कर देता है। महात्मा बुद्ध की बातों को सुनकर अंगुलीमाल उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध उसे अपनी शरण में ले लेते हैं और अपना शिष्य बना लेते हैं। आगे चलकर यही अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा साधु बनता है। दोस्तों, ये कहानी हमें संदेश देती है कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आप अपनी अच्छाइयां नहीं छोड़ते
तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर बड़ी से बड़ी बुराई को झुकाया जा सकता है। परेशानियां और मुसीबतें सभी के सामने आती हैं, लेकिन हमें कभी उनसे डरना और घबराना नहीं चाहिए। शांत मन से उनका सामना करना चाहिए। यदि आप शांत मन से सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर किसी भी बुराई या मुसीबतों का सामना यदि करते हैं, तो अंत में निश्चित ही तौर पे आपको सफलता हासिल होगी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपका मनोबल बढ़ाएगी। आपके सुझाव और विचार इस कहानी के प्रति कमेंट सेक्शन में आमंत्रित हैं। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए।